जितने क्वेश्चंस आपके मनों में है उतने ही क्वेश्चंस मेरे भी मन में है। अभी जो भी यहाँ सुना है मैंने उस तरीके से कि ये कहते हैं कि ओटी थिएटर में जो है आग लगी है। ओटी थिएटर्स नॉर्मली इवनिंग को बंद रहते हैं और उसके बाद कहीं सिलेंडर फटने से जो है वो आगे फैल गई है। जो भी है उसमें एक अच्छी चीज़ है कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। डेफिनेटली बिल्डिंग का नुकसान हुआ है, तकरीबन 20% के करीब एरिया जो है डैमेज हो गया है। नया ब्लॉक यहाँ नज़दीक बना रहे हैं, उन सभी स्टाफ का और ख़ास करके जो शहरी यहाँ शिरकत किए उन्होंने जल्दी से जल्दी पेशेंट्स को निकाला, इवैक्यूएट किया, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारा फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट भी टाइमली पहुँचा, 7-8 फायर एक्सटिंग्विशर्स उन्होंने लाए हैं, आग को अब तक कंट्रोल में किया है। फायर ऑडिट नॉर्मली बिल्डिंग्स का होता है, इस बिल्डिंग का भी हुआ होगा, वो भी देखेंगे। प्रिंसिपल मैडम यही हैं, वो खुद इसमें जायज़ा लेकर के कल आफ्टरनून तक बता देगी कि एग्जैक्टली टाइम शेड्यूल के हिसाब से कब कब आग कब लगी, पहले किसने देखी, फिर इतना टाइम उतना क्या लगा है, कोई इसमें लैप्सेस है क्या नेचुरल या कुछ, तो वह सब जो है प्रिंसिपल मैडम देखेगी। जहाँ तक फायर के लिए जो हम आग के लिए हीटर्स लगाते हैं, सिलेंडर्स यूज करते हैं, अभी क्योंकि ऑलमोस्ट विंटर एंड होने गया है, सिलाई कला तो एक महीना पहले ही ख़त्म हो गया है, तो मेरे ख्याल से जितने भी हमारे पब्लिक इंस्टीट्यूट है इंक्लूडिंग हॉस्पिटल्स, वहाँ से LPG सिलेंडर्स अब निकालने की बात है, ज़रूरत है, क्योंकि 2 दिन पहले ही अनंतनाग में भी वैसा ही एक हादसा हुआ था जिसमें कि 4-5 लोगों को जो है माइनर इंजुरीज आई थी। तो जल्द से जल्द जो LPG सिलेंडर्स है हीटिंग के लिए यूज़ होते हैं, हम मेरे ख्याल से उसको बंद करना है। टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स इवैक्यूएटेड सर? टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स इवैक्यूएटेड मेडिकल